नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं नीरज अग्निहोत्री। एक बार फिर से जो ठोस प्रावस्था हम पढ़ रहे थे, दो पार्ट मैं पढ़ा चुका हूँ, समझा चुका हूँ। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, जिससे हम उसके आगे जो है कंटिन्यू करेंगे। देखिए, लास्ट टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं, इकाई सेल, ठोस की अवस्थाएँ, है ना, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। और घनी इकाई सेल जो है वो क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं रिक्ति की तरफ। रिक्ति जब वर्ड समझ में आता, मतलब जब हम बोलते हैं तो रिक्ति से मतलब क्या है? रिक्ति का मतलब है खाली स्थान का होना, है ना। रिक्ति इंग्लिश में बोलते हैं वॉइड, तो रिक्ति का मतलब है कि ऐसी जगह जो खाली हो, रिक्ति है। वैकेंसी भी अपन एक वर्ड बोलते हैं, रिक्तियाँ, वैकेंसीज सुना होगा काफ़ी आप लोगों ने, तो जो खाली जगह है उसे हम रिक्ति बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमें जो पढ़ना है वो रिक्ति तो है, लेकिन इंटरस्टिशियल यानी कि अंतराकाशी रिक्ति। अभी अंतराकाशी रिक्ति क्या होती है उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ टॉपिक हमारा क्या है, रिक्ति, और रिक्ति में भी कौन सी रिक्ति पढ़ना है हमें, अंतराकाशी। लीजिए टॉपिक लिख लेगा मैंने, अंतराकाशी रिक्ति। अब ये जो अंतराकाशी रिक्ति है इसका क्या मतलब हुआ, मतलब अंतराकाशी रिक्ति का सीधा सा मतलब हम समझें कि भाई कुछ परमाणु जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं, एक संरचना से जुड़े रहते हैं, वो आपस में जुड़े हुए हैं। अब यदि वो परमाणु जो है वो उनका आकार यदि हम गोल लेते हैं, ठीक है ना, तो जब कुछ परमाणु आपस में जुड़े हुए हैं और वो गोल हैं, तो उनके बीच में जितने भी हों, चार हों, छः हों, कितने भी वो जो गोल गोल परमाणु हैं वो जमे हुए हों, तो उन सब के बीच में थोड़ा सा खाली स्थान जो है वो रह जाता है, ठीक है। तो यही जो खाली स्थान है उनके बीच में, इसे ही हम बोलते हैं रिक्ति। कौन सी रिक्ति? अंतराकाशी रिक्ति। अब ये जो अंतराकाशी रिक्ति है ये दो प्रकार की होती है, जिससे हमें मेन जो पढ़ना है। तो अब ये दो प्रकार कौन कौन से होते हैं ये देख लेते हैं हम। तो इसके दो प्रकार में, पहला है चतुष्फलकीय, कौन सी रिक्ति है पहली, चतुष्फलकीय रिक्ति, और दूसरी है अष्टफलकीय। भाई ठीक है, चतुष्फलकीय है, अष्टफलकीय है, अब ये होता क्या है चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय? तो देखिए, चतुष्फलकीय हम पहले पढ़ लेते हैं। तो चतुष्फलकीय मतलब कि चार गोले हमने लिए और चार गोलों को हमने कुछ इस तरीके से जमाया कि जब हम तीन गोलों को जो नीचे परत में बने हुए हैं उनके ऊपर एक और गोला हम जब जमा देते हैं, वो चारों तरफ से देखने पर वो जो है एक सा ही दिखता है। मतलब ऐसा लगता है हमें कि तीन गोले आधार में हैं और एक गोला उनके ऊपर रखा हुआ है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उन चारों गोलों के बीच में थोड़ा सा जो है वो खाली स्थान रह जाता है, ठीक है। अब इसमें जो रिक्ति की जो संख्या होती है वो एक गोला जो है वो कहना चाहिए दो खाली स्थान जो है वो बनाता है, ठीक है, और सब मिलकर जो है एक रिक्ति का निर्माण करते हैं जिसे हम बोलते हैं चतुष्फलकीय रिक्ति। अब ये यदि हम इमेजिन करते हैं, इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं कि भाई मैंने चार गोले लिए हैं और इन चार गोलों के बीच में कैसे वो रिक्ति हम डिफाइन कर सकते हैं, कैसे वो रिक्ति हम बना सकते हैं, बता सकते हैं, तो आइए इसको देखते हैं। मान लीजिए चार गोले हमने लिए, चार गोले कुछ इस तरीके से, ये इनके केंद्र में बना देता हूं,
ये अब आप इमेजिन करें कि चार बॉल मैंने ली, चार बॉलों को जो है मैंने कुछ इस तरीके से जमा दिया है, तो उन चार बॉलों के बीच में थोड़ा सा जो है वो खाली स्थान रह जाता है। तो यही जो खाली स्थान है वही क्या कहलाता है, अंतराकाशी रिक्ति के अंतर्गत चतुष्फलकीय रिक्ति। अब चतुष्फलकीय रिक्ति में जो रिक्ति है ना, वो गोलों के बीच में है, तो उसकी कुछ त्रिज्या होगी। क्या होगी उसकी त्रिज्या होगी। और ये जो हमें गोलाकार में दिख रहे हैं परमाणु, इनकी भी कोई त्रिज्या होगी। तो यहाँ पर जो मेन इम्पॉर्टेंट ये है कि भाई रिक्ति की त्रिज्या और जो ये जो गोले बने हुए हैं इनकी त्रिज्या में क्या रिलेशन है ना। मतलब ये रिलेशन जो है वो हम मोस्टली अनुपात के रूप में दर्शाते हैं। तो क्या अनुपात होता है, तो ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। तो इसका जो अनुपात होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि रिक्ति की त्रिज्या बटे गोले की त्रिज्या, त्रिज्या मैं दूसरे पेन से लिख देता हूं, इसका जो अनुपात होता है वो होता है 0.225। ठीक है, तो जो मतलब जो रिक्ति बन रही है उसकी त्रिज्या और जो गोला बन रहा है उसकी त्रिज्या का जो अनुपात है वो ऑलमोस्ट 0.225 के आसपास जो है वो रहता है। ठीक है, समझ गए आप। चार गोले हमने लिए हैं, चार गोलों को कुछ इस तरीके से हमने जमाया है कि उन चारों के बीच में जो है एक रिक्ति बन रही है, और वो जो हर एक गोला है वो दो ऐसे पोर्स को छोड़ रहा है जहाँ पर रिक्त स्थान निर्मित होता है। लेकिन जब चारों गोलों को आपस में यदि हम देखते हैं तो उनके बीच में एक जो है वो एक कहना चाहिए चारों गोलों के कारण एक जो खाली स्थान बचता है वही चतुष्फल की रिक्ति है। और वो जो रिक्ति है उसकी त्रिज्या और गोले की त्रिज्या का अनुपात कितना आएगा, 0.225। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं अष्टफल की रिक्ति की तरफ। तो अष्टफल की रिक्ति में जहाँ पर हमने चार गोले लिए थे, अष्टफल की रिक्ति में हम छः गोलों की बात करते हैं। छः गोलों को आपस में जोड़ा, अब जब हम छः गोलों को आपस में जोड़ते हैं तो मतलब फिर क्या होना चाहिए। तो भाई देखते हैं, छः गोलों को हम आपस में जोड़ के देखते हैं। ये मैंने छः गोले बना लिए, कितने हुए, चार, पाँच और ये छः। अब ये छः गोले जो हैं डेफिनेटली आप देख रहे हो कि बीच में काफ़ी बड़ा सा खाली स्थान छूटा हुआ है। ठीक है ना, अब खाली स्थान छूटा हुआ है और हर एक गोला जो है वो यहाँ पर क्या है कि एक गोला जो है वो दो खाली स्थान छोड़ रहा था, है ना। यानी कि एक गोले से संबंधित रिक्ति की संख्या दुगनी होती है, यहाँ पर सिंगल होती है। एक गोला जो है वो एक रिक्ति के बराबर जगह छोड़ता है। अब यहाँ पर भाई बिल्कुल सेम जैसे यहाँ पर रिक्ति बन रही थी, यहाँ पर भी कुछ खाली स्थान होगा इन छः के छः गोलों के बीच में। अब ये जो खाली स्थान है या ये जो रिक्ति है, यहाँ पे अपन ध्यान देते हैं। जैसा यहाँ पर हमने लिखा था, यहाँ पर इसके लिए जो अनुपात होता है वो कुछ ऐसा होता है कि रिक्ति की जो त्रिज्या है और गोले की त्रिज्या, इसका अनुपात हमें मिलता है 0.414। यानी कि रिक्ति की जो भी त्रिज्या होगी और गोले की जो भी त्रिज्या होगी उसका हमेशा जो अनुपात है वो लगभग 0.414 के बराबर आएगा। ठीक है, तो ये थी चतुष्फल की रिक्ति और अष्टफल की रिक्ति। अब ये अंतराकाशी रिक्ति क्या है समझ गए होंगे आप। अब हम आगे बढ़ते हैं आगे के टॉपिक की तरफ। आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वय संख्या। ठीक है,
तो ये समन्वय संख्या क्या है भाई? अब एक गोल्ड स्मिथ नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बताया कि एक क्रिस्टल है, उसमें एक परमाणु के आसपास कितने परमाणु हैं, है ना, मतलब उसके पड़ोसी परमाणु कितने हैं। अब जितने भी होंगे, जितने भी परमाणु जो है वो एक परमाणु के चारों तरफ उसे घेरे हुए हैं, कनेक्टेड है कहना चाहिए, वो उस परमाणु की, उस पर्टिकुलर परमाणु की क्या कहलाती है? समन्वय संख्या। ठीक है, लिख लेते हैं, समझ गए होंगे आप, सिंपल है, कोई बहुत टफ नहीं है। अब क्योंकि इसने, इसे जो है वो गोल्ड स्मिथ ने बताया था, इसलिए इसे समन्वय संख्या या गोल्ड स्मिथ संख्या भी कहा जाता है। तो समन्वय संख्या से क्या समझे आप कि भाई एक यदि परमाणु मैंने बना दिया है तो उस परमाणु को जितने अन्य परमाणुओं ने घेरा हुआ है। ठीक है, जैसे हम ये देखें कि भाई मैंने ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये ऐसा बना दिया। अब ये जो केंद्र में जो परमाणु है इसे कितने परमाणु घेरे हुए हैं, तो आप काउंट कर लेंगे तो कितने दिख रहे हैं यहाँ पे, 3, 3, 6 और 1, 7। तो इस परमाणु पर्टिकुलर जो सेंटर में है उसकी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी? 7। करेक्ट। अब मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई समन्वय संख्या बताइए, अब किसकी समन्वय संख्या बताना है हमें, तो NaCl में Na+ व Cl- की समन्वय संख्या बताइए। अब समन्वय संख्या हमें मालूम है कि भाई एक परमाणु है, उसे कुछ परमाणुओं ने घेरे हुआ है, है ना। तो NaCl की जब बात होती है तो NaCl में हर Na का परमाणु हो या Cl का परमाणु हो, वो एक दूसरे से 6 अन्य परमाणुओं के द्वारा घिरे रहते हैं। तो क्योंकि वो 6 अन्य परमाणुओं के द्वारा घिरे हैं, तो एक पर्टिकुलर Na+ हो या Cl- हो, उसकी समन्वय संख्या होगी 6। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि उसके आसपास कितने हैं, आसपास से मतलब है कि कितने कनेक्टेड हैं उससे, 6 परमाणु कनेक्टेड है। तो यहाँ पर एक Na+ ले लें चाहे आप Cl- ले लें, उसकी समन्वय संख्या कितनी होगी? 6 होगी। तो ये समन्वय संख्या है, या इसे गोल्ड स्मिथ नंबर भी कहते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल छोटा सा टॉपिक था ये, बहुत कोई बड़ी चीज़ नहीं है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा आप ध्यान रखें। अब आगे हम बढ़ते हैं भाई ठोसों में अपूर्णताएं, ये भी एक छोटा सा टॉपिक है, लिख लेते हैं। देखिए ठोसों में अपूर्णताएं क्यों होती हैं? अपूर्णताएं मतलब कि वही, या तो अशुद्धि का मिल जाना या तो रिक्ति का उत्पन्न हो जाना। अब ये अशुद्धियों का मिल जाना तो ठीक है कि भाई एक कोई धातु है या कोई क्रिस्टल है, है ना, उसमें कोई और तत्व आके मिक्स हो गया है या कोई और पदार्थ आके उसमें मिक्स हो गया है, तो चले ठीक है, वो अशुद्धि मिल गई है उसमें, तो वो जो है अशुद्ध हो गया, वो ठीक है, अपूर्ण हो गया कहना चाहिए। लेकिन मान लीजिए कि एक क्रिस्टल है, उसके छोटे छोटे जो क्रिस्टल के छोटे छोटे जो पार्ट्स होंगे, हम पहले ही बताया था मैंने कि भाई मिस्री है, मिस्री को जब आप तोड़ते हैं तो वो उसकी जो संरचना बनी हुई है वो एग्जैक्टली वैसी ही होती है जैसे कि एक बड़ी मिस्री की है। अब वो जो छोटे छोटे क्रिस्टल्स हैं, मान लीजिए उन क्रिस्टल्स के बीच में रिक्ति आ जाती है, तब भी वो अपूर्ण है। लेकिन वो रिक्ति आते कैसे है? तो देखिए क्या होता है कि कोई भी क्रिस्टल आप लें, एक जो क्रिस्टल होता है वो 0 केल्विन पर उसके जो छोटे छोटे क्रिस्टल हैं उनके बीच में कोई भी गैप नहीं होता है, कोई भी रिक्ति नहीं होती है, तो है ना, कोई भी रिक्ति नहीं होती, तो इन्हें बोला जाता है आदर्श क्रिस्टल। 0 डिग्री केल्विन पर जब इनके बीच में कोई रिक्ति नहीं होती तो इसे बोला जाता है आदर्श क्रिस्टल। लेकिन जैसे जैसे हम, लिख देता हूँ मैं, पहला है क्या, ताप के बारे में अपन बात कर रहे हैं,
तो लेकिन जैसे जैसे क्या हुआ, चले ठीक है भाई, 0 डिग्री केल्विन पर एक जो क्रिस्टल है वो आदर्श क्रिस्टल है, क्यों? क्योंकि उसके छोटे छोटे क्रिस्टल्स के बीच में कोई भी रिक्ति नहीं है। लेकिन होगा क्या कि जैसे जैसे ताप को बढ़ाते जाएंगे, है ना, ताप को बढ़ाने पर ये जो दो क्रिस्टल हैं, मान लीजिए एक मिस्री हम ले लें, उसके छोटे क्रिस्टल्स की बात करते हैं, तो उनके जो बीच में जो छोटे छोटे क्रिस्टल हैं उसके बीच में हो सकता है कि रिक्ति बनने लगे, गैप्स आने लगे वो छोटे छोटे जो क्रिस्टल्स हैं। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे वो जो रिक्तियाँ हैं वो बड़ी होती जाती हैं, और हम क्या कहते हैं कि भाई ताप बढ़ाने पर उस पर्टिकुलर क्रिस्टल में अपूर्णता जो है वो निर्मित हो रही है। तो मतलब ताप बढ़ाने पर एक क्रिस्टल में जो है क्या होता है, रिक्ति बनती है और वो अपूर्ण हो जाता है। अब ऐसे ही अशुद्धि की बात करते हैं, अशुद्धियाँ तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि भाई यदि कोई क्रिस्टल है उसमें कोई अन्य पदार्थ या तत्व आकर मिक्स हो रहा है तो क्या होगा कि जो उसके छोटे छोटे जो कणों की या परमाणुओं की जो जमा जो व्यवस्था जो जमी हुई है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक कोई अन्य टाइप का तत्व जो है या अन्य टाइप का पदार्थ जो है वो उनके बीच में आकर बैठने की कोशिश कर रहा है। तो मान लीजिए ऐसा कुछ होता है तो वहाँ पर अशुद्धता होगी, मतलब उसकी शुद्धता जो है एक क्रिस्टल की वो क्या हो जाएगी, अपूर्ण हो जाएगी, है ना। क्यों? क्योंकि कोई और तत्व या पदार्थ उसके बीच में आकर बैठ रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर ये जो अशुद्धि है वो उसमें अपूर्णता को उत्पन्न कर देती है। तो ये हम क्या देख रहे थे, ठोसों में अपूर्णताएँ। तो ताप के कारण समझ गए होंगे आप कि भाई एक क्रिस्टल है वो 0 डिग्री केल्विन पर यदि कोई रिक्ति नहीं तो आदर्श क्रिस्टल है, लेकिन जैसे जैसे मैं ताप बढ़ाता हूँ या हम ताप बढ़ाते हैं तो उन छोटे छोटे क्रिस्टल्स के बीच में जो है वो रिक्तियाँ निर्मित होने लगती हैं, ठीक है। अब ऐसे ही अशुद्धियाँ, मान लीजिए कोई क्रिस्टल है, क्रिस्टल के छोटे छोटे कण हैं, परमाणु ले लें हम, उनके बीच में यदि कोई और तत्व का परमाणु आके बैठ जाता है, क्रिस्टल आके बैठ जाता है, तो वहाँ पर भी वो जो क्रिस्टल है वो क्योंकि अशुद्धि है उसमें तो वो अपूर्ण माना जाता है, वो शुद्ध क्रिस्टल नहीं माना जाता है या शुद्ध पदार्थ नहीं माना जाता है, ठीक है। तो अब समझ गए, आगे बढ़ते हैं। परिभाषा लिखने की ज़रूरत नहीं है मुझे इनकी, जितना मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ आप सरल लैंग्वेज में उसको समझ सकते हैं, कोई बहुत कठिन चीज नहीं है ये। अब देखें आगे है बिंदु दोष। अब ये बिंदु दोष क्या होता है, थोड़ा सा ये टॉपिक जो है इसको हम अच्छे से डिस्क्राइब करके समझेंगे। तो अब बिंदु दोष भाई मतलब इसके कुछ प्रकार हैं, अब इनको हम कैसे समझें, है ना, ये देखते हैं हम। तो हम बात कर रहे थे बिंदु दोष की, तो बिंदु दोष का भी मतलब क्या होना चाहिए, बिंदु दोष मतलब क्या। देखिए होता क्या है कि कोई भी पदार्थ है, कोई भी क्रिस्टल है, अक्रिस्टल है, कुछ भी है, यदि उसमें परमाणुओं की जो व्यवस्था है उन परमाणुओं की व्यवस्था में कहीं कोई जो है कहना चाहिए प्रॉब्लम आती है, या वो जो परमाणु की व्यवस्था है वो बिगड़ती है ना, या विचलित होते हैं परमाणु किसी भी कारण से हो सकते हैं, तो क्या होगा, वहाँ पर जो है बिंदु दोष उत्पन्न हो जाता है। अब ये बिंदु दोष कितने प्रकार का होता है, तो बिंदु दोष जो है वो मुख्यतः तीन प्रकार का होता है, रस समीकरण मितीय स्टाइक्योमेट्रिक, और रस समीकरण मितीय नॉन स्टाइक्योमेट्रिक, और अशुद्धता दोष, ये तीन प्रकार का होता है। अब मेन हम जो बात करने वाले हैं अभी इस क्लास में, हम बात करने वाले हैं रस समीकरण मितीय जो दोष है वो क्या होता है। अभी जो रस समीकरण मितीय दोष है ये दो प्रकार का होता है, मेन जो है वो दो प्रकार का होता है। अब देखिए ये दो प्रकार का कैसे होता है, क्या होता है कि भाई कोई क्रिस्टल है, कोई भी कुछ भी है, कोई पदार्थ है, अब उसमें आयन जमे हुए हैं, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन्स, धनात्मक और ऋणात्मक आयन्स। अब मान लीजिए वो जो आयन्स हैं, है ना, उनका स्थान जो है या तो रिक्त हो रहा है, या वो जो धनायन है या ऋणायन है वो अपना स्थान छोड़कर कहीं और जाकर बैठ जाते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि उसमें दोष उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। अब ये जो दोष उत्पन्न हो जाता है उसे हम क्या कहेंगे, तो
उसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें पहला है शॉटकी दोष। इसके अंतर्गत हम बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं रस समीकरण मिति की, है ना। बाकी की मैं रफ कर देता हूँ। इस क्लास में हम शॉटकी दोष के बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम बाकी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लेंगे। अब देखिए भाई, शॉटकी दोष में क्या होता है, मान लीजिए कुछ परमाणु जो है वो आपस में जमे हुए हैं। कैसे जमे हुए हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो है, ये परमाणु आपस में जमे हुए, अभी हम बात कर रहे हैं शॉटकी दोष की, ठीक है। इनके बीच में ये थोड़ा सा हम जो है कनेक्शन कर देते हैं, जिसमें कन्फ्यूज़न ना हो हमें कि ये आपस में जुड़े क्यों नहीं हैं। तो आपस में जोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये लीजिए, ये अब ये आयंस भी हैं। अब इन आयंस में धनायन, ऋणायन, ऋणायन, धनायन, ऋणायन, यहाँ पर धन, यहाँ पर ऋण, यहाँ पर धन, मतलब अल्टरनेट, यहाँ धन, यहाँ ऋण, यहाँ धन, यहाँ ऋण, यहाँ ऋण, यहाँ धन, यहाँ ऋण, यहाँ धन। अब ये एक क्रिस्टल है, उदासीन है, ये मान लीजिए एक परमाणु जो है वो उदासीन है, वो आयंस जमे हुए हैं उसमें। अब उदासीन है, अब इसमें अभी ये अपूर्ण नहीं है, इसमें कोई दोष नहीं है। मान लीजिए हम बात कर रहे हैं कि इसकी शॉटकी दोष की। अब होता क्या है शॉटकी दोष में, मान लीजिए कि यहाँ पर एक ऋणायन और एक धनायन जो है वो जो है अपना स्थान छोड़ देते हैं, ठीक है। अब स्थान छोड़ दिए तो यहाँ पर ये जो ये दो आपको ये जो गोले दिख रहे हैं ये तो भाई खाली हो गए। अब खाली हो गए तो क्या होगा, जैसे कि एक मैंने बहुत बड़ा बॉक्स लिया, छोटा सा बॉक्स ले लो या बड़ा बॉक्स ले लो, उसमें मैंने 10-12 बॉल डाल दी। अब 10-12 बॉल में से यदि मैं दो बॉल्स निकाल लेता हूँ तो क्या होगा, वो जो बॉक्स है वो थोड़ा सा हल्का हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ है कि कोई भी पदार्थ है यदि उसमें शॉटकी दोष उत्पन्न हो रहा है, मतलब अभी भी उदासीन बना हुआ है क्योंकि एक ऋण और एक धन ने अपना स्थान छोड़ा है, अभी भी उदासीन है, लेकिन उसके घनत्व में परिवर्तन आ जाता है। क्यों, क्योंकि वो जो दो चीज़ें थी, जैसे मैंने बॉल का एग्जाम्पल समझाया आपको, वो जो दो आयंस थे उन्होंने अपना स्थान छोड़ दिया है। अब क्योंकि उन्होंने अपना स्थान छोड़ दिया है तो वहाँ पर भाई उनके कारण खाली स्थान निर्मित हो गया है, और वो जो खाली स्थान है वो उसके घनत्व को परिवर्तित कर देता है, यानी कि घनत्व जो है वो कम हो जाता है। तो ये जो दोष है ये शॉटकी दोष है, सिंपल है कि ये आयंस जमे हुए हैं, मान लीजिए एक ऋणायन और एक धनायन जो है वो अपना स्थान छोड़ दे तो वहाँ पर जो दोष उत्पन्न होता है उसे हम शॉटकी दोष कहते हैं, और इस दोष के कारण उस पर्टिकुलर पदार्थ में, क्रिस्टल में जो है उसका घनत्व जो है वो कम हो जाता है, सिंपल है। अब हम बात करते हैं फ्रैंकल दोष की। भाई फ्रैंकल दोष क्या है, बड़े ही अजीब अजीब टाइप के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। फ्रैंकल दोष में पहले तो मैं जगह भर दूँ, ये लीजिए, अरे गलत हो गया, यहाँ ऋण आएगा और यहाँ पर धन आएगा, ठीक है ना। अब देखिए फ्रैंकल दोष में क्या है, अपन बात वहीं से स्टार्ट करते हैं कि ये यहाँ पर सारे आयंस आपस में जमे हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उदासीन अवस्था में है क्रिस्टल। अब यहाँ पर होता क्या है कि हो सकता है कि एक धनायन कहीं कभी हो सकता है अपना स्थान छोड़कर, ये जो बीच में जो इस ये जो प्लेसेस दिख रहे हैं, बीच में जो वॉइड्स दिख रहे हैं, जो है ना अंतरकाशी स्थान दिख रहे हैं, वहाँ पर जाकर जो है वो बैठ जाता है, करेक्ट। हो सकता है एक धनायन हो या हो सकता है एक ऋणायन हो, कोई भी अपना स्थान छोड़कर जो है वो अंतरकाशी प्लेस पर जाकर बैठ सकता है जो बीच में बने हुए हैं। अब इस स्थिति में होता क्या है कि भाई देखिए, एक धनायन था, उसने खाली स्थान छोड़ा है वो जो जहाँ बैठा हुआ था, लेकिन अभी भी वो उस प्लेस पर मौजूद है, उस क्रिस्टल में मौजूद है, भले वो अंतराकाशी स्थान पे है। तो यहाँ पर क्योंकि वो जो धनायन है या ऋणायन है वो क्रिस्टल से बाहर नहीं गया है, ठीक है,
यानी कि उसी जो एक हमने ये डायग्राम बनाया है उसी के अंदर स्थित है वो। तो क्योंकि वहाँ पर स्थित है वो उदासीन तो है ही, क्यों? क्योंकि वहीं पर है। एक ऋणायन एक धनायन, कमी बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं हो रही है ना। जो ऋणायन था या जो धनायन था वो जाकर केवल एक अंतरकाशी स्थान में बैठ गया है। अब क्योंकि वो अंतरकाशी स्थान में बैठा हुआ है तो उदासीन तो बना ही हुआ है, और साथ में उसके घनत्व में भी कोई परिवर्तन नहीं आता। लेकिन क्योंकि भाई जो इसकी पर्टिकुलर प्लेस है जहाँ उसे होना चाहिए वो वहाँ पर नहीं है, वो कहाँ पर जाकर बैठ गया? उस अंतराकाशी स्थान पर जहाँ उसे नहीं स्थित होना चाहिए। उसे स्थित कहाँ होना चाहिए? ये जो हमने जो गोले बनाए हैं, है ना, जहाँ पर उसकी एक्चुअल प्लेस है वहाँ पर नहीं है। तो इस ना होने के कारण उसमें जो दोष उत्पन्न होता है उसे हम बोलते हैं फ्रैंकल दोष। तो आप अंतर समझ गए होंगे कि भाई शॉर्ट की दोष का मतलब है कि एक धनायन और एक ऋणायन जो है वो अपना स्थान छोड़ देते हैं, एक धनायन और एक ऋणायन। बात ध्यान से सुनिएगा, धनायन या धनायन, दोनों धनायन अपना स्थान नहीं छोड़ सकते, नहीं तो वहाँ पर जो है वो गलती हो जाएगी, है ना। ऐसे ही रिक्ति अभी अपन ने नहीं पढ़ी है, हमने केवल ये देखना है कि भाई वो जो एक्चुअल जो है पदार्थ वो उदासीन बना हुआ है, तो उदासीन कब बना रहेगा? जब एक धनायन और एक ऋणायन जो है वो अपना स्थान छोड़ेंगे, ठीक है। अब ये तो अपन ने बात की किसकी, शॉर्ट की दोष की। फ्रैंकल दोष में क्या होता है, एक ऋणायन या एक धनायन अपना प्लेस छोड़कर उस अंतराकाशी स्थान में बैठ जाता है जो कि बीच में बने हुए हैं। अब वहाँ पर यदि वो अंतराकाशी स्थान में जाकर बैठ रहा है तो ना तो भाई वो अपना प्लेस छोड़कर कहीं गया है, तो जिसके कारण से घनत्व में तो परिवर्तन आना नहीं है, और घनत्व में परिवर्तन नहीं आना है, उदासीन भी बना हुआ है क्योंकि वो जो ऋणायन है वो वहीं पर है, ठीक है ना, चाहे ऋणायन हो चाहे धनायन हो कुछ भी। तो अब क्योंकि वो वहीं पर है तो ना उनके घनत्व में परिवर्तन होगा ना उसकी उदासीनता में कुछ चेंजेस उत्पन्न होंगे। तो ये थे रस समीकरण मितीय बिंदु दोष, इसके अंतर्गत शॉर्ट की दोष और फ्रैंकल दोष। हाँ, इन ये शॉर्ट की और फ्रैंकल में अंतर क्या होता है तो ये थोड़ा सा आप लोग देख लें, है ना। बाकी मेन चीज़ मैंने समझा दी है। तो अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे नॉन स्टिक क्योमेट्री और अशुद्धि दोष के बारे में और उसके आगे के जो टॉपिक्स हैं। तो अभी इनको फिलहाल आप ध्यान से देखें, और यदि आपको पिछले वीडियोस देखना है या कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप इस आई बटन पर जरूर क्लिक करें और हमारे पिछले वीडियोस जो हैं उनको देखें, समझें और लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में।